सूरह ताहा में कुरान में इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाह रहमान वमन आरजा जिक्र अल्लाह, जिसने अल्लाह के जिक्र से एराज किया, मुंह फेरा, उसकी जिंदगी भी खुदा उस पर तंग कर देगा और आखिरत में उसे अंधा उठाएगा, ना भी ना उठाए। जिक्र अल्लाह क्या है? अल्लाह का जिक्र क्या है? छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रावी इमाम से पूछता है, मौला ये जिक्र क्या है जो कुरान की आयतों में और भी अला बे जिक्र अल्लाह, आगा हो जाओ, अल्लाह ही का जिक्र है जो दिलों को इत्मीनान देता है, ये जिक्र क्या है? का नहनो जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। जो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरेगा, दुनिया भी तंग और आखिरत में नाबीना उठाया जाएगा। परवरदिगार आखिरत में क्या नाबीना, आखिरत में सब नजर आएगा? नहीं, जो इस दुनिया में नाबीना है, जो इस दुनिया में नहीं देख सकता, क्या नहीं देख सकता, सब देख रहा है? नहीं, जो हकीकत से दूर हो जाता है, उसे सिर्फ मादा नजर आता है, उसे सब मादा है। ये मैं आपको देख रहा हूं, दरो दीवार, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये सब क्या है? ये मादा है। जो विलायत तक पहुंचता है, उसे बातिने कायनात नजर आती है, उसे बातें नजर आती है। हकीकत वही है। जो इस दुनिया में बातें नहीं देख पाए, जो इस दुनिया के अंदर बरजख न देख पाए, मलाकूत न देख पाए, वो कयामत में अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं है। जो कुछ देखना है यही देखना है, जिसकी यहां आंख खुल गई वो वहां भी देखेगा, जो यहां नाबीना रहा उसे वहां जलवा इलाही नजर नहीं आएगा, वहां भी उससे छुपा दिया जाएगा, हिसाब किताब होगा, सब होगा, लेकिन दिखाया कुछ नहीं जाएगा।